हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे डील कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको कैसा देखते हैं। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो किस तरीके से आपको देखते हैं, वो क्या समझते हैं। जब भी उनके आपको जब आपकी पिक्चर देखते हैं या आपको प्रैक्टिकली देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका उनके माइंड में क्या थाट्स होते हैं आपको लेकर। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितनी करती है तो उसे रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेडिटेट करें। आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। जब ये पर्सन आपकी पिक्चर देखते हैं या आपको देखते हैं, तो इस पर्सन के माइंड में पहला थॉट्स आपके लिए क्या होता है, क्या सोच होती है इस पर्सन की आपको देखते हुए, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। ये पर्सन आपको काफ़ी जैसे एक स्टेबल ग्राउंडेड देखता है, बहुत पावरफुल पर्सन की तरह देखता है। ठीक है, आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब कि आप किसी भी चीज़ के लिए जैसे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में, जो एक बहुत ज़्यादा जो ऐसा नहीं होता कि इंसान कहीं अपने लिए अपने राइट के लिए फाइट नहीं कर पा रहा या अपने लिए बोल नहीं पा रहा, ये वो वाली एनर्जी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसी ऐसी भी एनर्जी नहीं है कि आप बोल्ड एनर्जी में बहुत ज़्यादा जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं या तो अपनी हदूद से बाहर निकल रहे। नहीं, ये पर्सन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देखता है, बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी, जैसे पॉजिटिव वे पावरफुल पर्सनैलिटी। क्योंकि एक जो किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल होता है, एक फैमिली ओरिएंटेड होता है, स्टेबल ग्राउंडेड होता है, जैसे जिसके जो अपनी फैमिली को जानता है, कैसे फैमिली चलती है, अपना कल्चर कैसा चलता है, वो इंसान इस चीज़ को समझता है। क्योंकि एक वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करने के लिए, वो एक प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, एक किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, अपने घर को कैसे चलाना है, उस इंसान को पता है। लेकिन आपके अंदर ये उस चीज़ के साथ साथ एक फैमिली ओरिएंटेड होते हुए भी ये पर्सन आपको काफ़ी जैसे फ्री देखता है। आपके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं होती, कोई आप जैसे किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होते, कोई आपको जैसे एक कंफ्यूज एनर्जी में ये पर्सन कभी आपको नहीं देखता। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जो भी आप जिस तरीके से भी खुद को कैरी करते हैं, आपका पहनना ओढ़ना, आपका अपने 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 आप को जैसे आप कोई भी बात है, आप जो भी कोई बात करते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, और एक एक्सप्लेन करने वाली आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, एक पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, जो एक पावर रखती है, जैसे एक किसी से बात करके ही समझ में आ जाता है ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो इस पर्सन को पता है आपकी एनर्जी में बहुत एक अट्रैक्शन है, जैसे एक स्पार्क है। ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहा होता है, आपके पार्टनर उस स्पार्क को देखते हैं आपके अंदर। ये पर्सन जैसे आपकी कंपनी को एंजॉय करता है, ये पर्सन आपके और अपने बॉन्ड को जैसे एंजॉय करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे आप लोग के बीच अगर एज डिफरेंस है या कास्ट कल्चर रिलीजियस किसी भी तरीके का डिफरेंस है, क्योंकि या तो ये बहुत टाइम पुराना भी हो चुका है या तो आप लोग बहुत टाइम बाद भी मिलते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का कोई स्पेशल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब कि ये इसको ऐसा नहीं लगता कि आपसे मिलकर के आप अजनबी हैं, आप बहुत टाइम बाद मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का मिलना बहुत टाइम बाद होता है, आप लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते। ठीक है, एक टाइम गुजरता है, फिर आप लोग का कनेक्शन होता है या फिर आप लोग मिलते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहे कितनी ही टाइम बाद मिले, इस पर्सन को आपके सामने कोई फेक स्माइल या फेक अपने आप को फेक जाहिर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सन आपके साथ एक कंफर्ट, जैसे आप लोग एक कंफर्ट जोन में होते हैं, इस पर्सन को एक होमली वाइब होती है आपके साथ मिलकर, कि हाँ आपके साथ अपने जैसा घर जैसा फील होता है। ये अपने कंफर्ट जोन में होता है आपके साथ मिलने के साथ, जैसे इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये पर्सन आपको देखता है कि आप भी बहुत नेचुरल होते हैं, जैसे एक नेचुरली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं होता, कुछ भी आपके बिहेवियर में चेंज नहीं होता, या आपकी वॉइस में चेंज नहीं होता, या आपके नेचर में चेंज नहीं होता, या आपके इस पर्सन को डील करने में चेंज नहीं होता, कि आप पता नहीं घर में कहीं किसी और तरीके से डील करते होंगे और इसको किसी और तरीके से कर रहे हैं, ऐसी वाली बात नहीं। जिस पर इस पर्सन को पता है आपका एक नेचुरल, ठीक है, बहुत एक नेचुरल एनर्जी होती है, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, या आपको मतलब कि एक होता है ना, जिसका एक ट्रस्ट अपने ऊपर, एक करेक्टर अच्छा होना चाहिए। करेक्टर जितना मजबूत होता है इंसान, उतना कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है,
जितना आपका एक होता है ना कि आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया है, और जैसे कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी जो होती है, ये एक शाय एनर्जी और छुई मुई नहीं। जैसे हम किसी के साथ फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है, जिसके साथ हमें पता होता है हाँ ये हमारा एक फ्रेंड है, या तो ये हमारा क्रश है, या तो एक गैदरिंग है हमारी, ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। एक जैसे एक जैसे अपने अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करना, अपने बारे में चीज़ों को शेयर कर देना, अपनी लाइफ को बताना, या तो कोई भी बात हो रही है उसमें बहुत एक कॉन्फिडेंस झलकता है आपकी एनर्जी में, आपकी आपके बात करने के तरीके में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करता है, इस चीज़ इसको एक आपकी कंपनी पसंद है, आपकी बातें पसंद है, आपसे कनेक्ट होना पसंद है। स्टार, ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखता है। अगर इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी रखने वाले इंसान है, आप की जैसा कोई और नहीं। सब हैं, सब में सबके अंदर अपनी क्वालिटीज और अपनी वैल्यू होती है, लेकिन वो सब छोटी छोटी हैं। आपके जैसी वैल्यू, आपके जैसी शाइन, आपके जैसा इसको कनेक्शन, या आपके जैसा कंफर्ट इसको कहीं और नहीं मिलता, ठीक है। जैसे आप एक शाइन, एक स्टार की तरह शाइन करते हैं, आप एक हीलिंग, इस पर्सन को हीलिंग मिलती है जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होता है, या मिल बैठता है, या आपके साथ बातें करता है, इस पर्सन को एक हीलिंग मिलती है। जैसे आप कुछ भी कहें, इसको एक पीस और सुकून मिलेगा, ठीक है। आप इससे जब भी बात करते हैं तो इसको एक सुकून वाली वाइब्रेशन होती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर काफ़ी विजडम है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है आप इमोशनली मतलब कि आप सामने वाले इंसान का जो है ना, अगर कोई माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, या कोई बैक स्टेपिंग कर रहा है, या आपके साथ कुछ बुरा सोच रहा है, या बुरा कर सकता है, ये पर्सन जानता है आपके अंदर इतना विजडम है, आप उसको जैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप उस चीज़ को जैसे पहले ही भाप लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, आप पिक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस नीयत से या इस नेचर से आ रहा है। आपका जो विजडम है ना, आपके आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर चीज़ में नॉलेज है। आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, हर चाहे आप इतना, ऐसा हो सकता है कि आप इतने जो है ना, एक आपके फ्रेंड्स ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सामने वाले को जैसे समझने का एक माइंड रखते हैं, आप सामने वाले की एनर्जी से उसको पिक कर लेते हैं ये पर्सन नेक्स्ट क्या करेगा। आप उसके जैसे, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये पर्सन आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे किस एक शार्प नहीं है, आप तेज़ नहीं है, आप अपने आप को जैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने विजडम से, आप अपनी अपनी एनर्जी से, अपनी इंट्यूटिव पावर से, या अपनी इंटेलिजेंस से आप सामने वाले को पिक कर लेते हैं फौरन, ये क्या चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके अंदर इतना विजडम है, आप बातों से उस पर्सन को समझ जाते हैं, चाहे आपके अंदर कोई चालाकी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को सेफ और प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ उस पर्सन के एक्शन से। आप समझना जानते हैं सामने वाले को, कम्युनिकेशन में आप समझ जाते हैं, या तो आपके पास कोई जैसे एक होता है ना, एक इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन पावर होती है, कोई कनेक्शन होता है, तो आप सामने वाले को बात करते करते समझ जाएंगे यार ये नेक्स्ट ये करने वाला है, ठीक है। आप जैसे कि इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर देते हैं कि भाई ये ऐसा यहाँ पे ये हो सकता है, ये पर्सन आपको इतना पिक करता है, मतलब कि एक ऑब्जर्वर काइंड एनर्जी, आप सामने वाले को बातों में ऑब्जर्व करते हैं, ये पॉजिटिव कर सकता है आपके साथ, या कुछ नेगेटिव कर सकता है, एक ऑब्जर्वर काइंड वाली एनर्जी देखता है। आप बोलेंगे भी, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे, आप जब सामने वाले से बात कर रहे होंगे, या उसको डील कर रहे होंगे, आप बिल्कुल भी नहीं ये दिखाएंगे कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या आप मतलब कि आप थोड़ी देर के लिए थोड़े से आप नर्वस हो जाते हैं, अदरवाइज आपके अंदर एक नर्वस वाली एनर्जी नहीं है, खासतौर पर इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ आप बॉन्ड शेयर कर लें, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, आप उसके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ओपन अप हैं, बहुत कंफर्ट आपका जोन बन जाता है, आप बैलेंस में आ जाते हैं सामने वाले के साथ, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और कैसा देखते हैं? काफी आपको जैसे विजडम वाला देखते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है कि आप, या तो आपकी हायर एजुकेशन है, अगर हायर एजुकेशन नहीं है तो आपके आपको हर पॉइंट पे आपको एजुकेशन आपकी एक तो हो सकता है, जैसे एक होता है ना अपब्रिंगिंग आपकी ऐसी जगह से है जहाँ बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल,
आपको बहुत नॉलेज मिली है वहाँ से, ठीक है, आपकी आपकी जो कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिससे आपको बहुत समझने को मिला, जानने को मिला हर चीज़ के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये एजुकेशन भी हायर हो सकती है आपकी, या तो आपके अंदर वैसे ही विजडम बहुत है। आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं, आप हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत चूजी हो सकते हैं, आपकी एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी ऐसी नहीं है कि किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया, किसी को भी बहुत क्लोज फ्रेंड बना लिया, या किसी के साथ भी कनेक्ट हो गए, आप हर किसी के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते, बहुत होल्ड होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, आप सब कुछ सबको नहीं बताते, जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपसे इस पर्सन ने शायद आपको किसी और के साथ बात करते हुए देखा और अपने साथ बात करते हुए देखा, इस पर्सन को ऐसा लगा आप कंप्लीटली खुलकर उससे बात भी नहीं करते, कंप्लीटली उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, या कंप्लीटली उसको अपने दिल की बात भी नहीं देते, ठीक है, मतलब कि आप थोड़े से इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, आपके अंदर एक वो वाली एनर्जी है, आप जैसे कोई चाहेगा ना कि आपकी लाइफ में एंटर कर जाए और आपके क्लोज आ जाए बहुत जल्दी, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप बंदे को समझ जाते हैं, सामने वाले इंसान को आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सामने वाले इंसान को आप उसकी उसकी जो उसके एक्शंस, उसको जैसे ऑब्जर्वर वाली एनर्जी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस वजह से आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि इतना आसान नहीं है आपकी लाइफ में, या आपके ऐसा हो सकता है आप आपका सर्कल बहुत स्मॉल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड ना हो, बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड्स ना हो आप लोग आपके, ठीक है, बहुत चूजी टाइप एनर्जी है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत से लोग हैं जो तो इस इंसान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान मतलब कि खुद अपने आप को अकेला करके खामोश एक जगह पे बैठा रहता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन को लोगों के साथ बढ़ाना नहीं चाहता, या बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, आपकी एक ऐसा आपका एक नेचर ऐसा है, आप इन्वॉल्व होंगे तो उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो कम्प्लीटली करेंगे, ठीक है, किसी एक पर्सन पे, बहुत सारे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते या इन्वॉल्व नहीं होने देते, ठीक है। लवर आपकी लाइफ में लव लाइफ को भी लेकर ये पर्सन चॉइसेस देखता है, खाली ये जो पर्सन है इस पर्सन को ऐसा लगता है खाली मैं नहीं हूँ, इसकी ज़िंदगी में और भी चॉइसेस होंगी, ठीक है, लेकिन ये चूज़ नहीं कर रहा, वो डिफरेंट चीज़ है, इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत एक चूजी काइंड एनर्जी है, आप बहुत चूजी एनर्जी में रहते हैं, आप हर किसी के साथ इन्वॉल्व होना, हर किसी के साथ कनेक्ट होना ये आपको नहीं पसंद, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप उन चॉइसेस के ऊपर या उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, बिल्कुल आपको अकेला रहना पसंद है, ये पर्सन आपको उस तरीके से दिखता है, आप काफ़ी अपनी एनर्जी में बैलेंस रहते हैं, या आप अकेले रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा हुजूम में नहीं पाए जाते, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, या आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, या आपकी बातें लोगों तक नहीं होंगी, जैसे आप आपकी लाइफ की चीज़ें हर किसी को शेयर नहीं करते आप, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप एक मी टाइम में ज़्यादा रहते हैं, एक हर्मिट एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, अपनी एक आपका जो एक अपनी सोल के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है, तभी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक विजडम है, ठीक है, आपका एक सोल बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देखिए आज के दौर में कोई भी अकेला नहीं रह सकता, जो अकेला रह रहा है वो एक बहुत मजबूत इंसान है, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को आपकी स्ट्रांग एनर्जी का अंदाज़ा यहाँ से होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप किसी भी अपनी ज़िंदगी में सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, आप सब कुछ अकेले फेस कर रहे होंगे, लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी उसको अकेले फेस करके निकल जाएंगे, आप अकेला रहना एक मी टाइम आपको हील करता है या आपको पीस देता है, आप लोगों को अपने इर्द गिर्द आने नहीं देते, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप नहीं होते। इस पर्सन ने आपको चेंज होता हुआ देखा है, कोई टावर एनर्जी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने चेंज होता हुआ देखा है, कुछ फेस खत्म हुआ है इस पर्सन ने, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत टाइम से हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसने आपको जैसे आपको बदलता हुआ देखा, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, कभी आप बात करना चाहेंगे, कभी आप बहुत टाइम गुजर जाएगा बात ही नहीं करना चाहेंगे, जैसे 3-4 महीने गुजर जाएंगे आप फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब ये रिलेशनशिप कैसा भी रह सकता है कि आपने बनाने की कोशिश करी या इस पर्सन ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन आप एक मूडी टाइप पर्सन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है 6 महीने बाद याद आ रही है, मतलब कि कनेक्ट भी कर रहे हैं तो 6 मंथ बाद, मतलब कि आप एक आप अपने ही जोन में रहते हैं, अपने ही सर्कल में रहते हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, आप ऐसे पहले नहीं थे, आप इतने खामोश इतने साइलेंट या अपनी लाइफ में इतने रहने वाले ऐसे नहीं थे, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, आपकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपकी लाइफ को लेकर पूरी नहीं हो सकी है, ठीक है,
आप एक इमोशनल इंसान है, लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड बैक रखते हैं आप, अपने इमोशंस को सबके साथ डिस्कस नहीं करते, सबके साथ बताते नहीं है, हर किसी को आपके इमोशंस का नहीं पता होता। काफ़ी एक काइंड हार्टेड पर्सन है आप, ठीक है, आपको हेल्प हेल्प करना, हेल्पिंग हैंड आपका है, ठीक है, मदद कर देते हैं आप लोगों की, ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन आप बैलेंस रखते हैं। अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं ना, तो आप उसके साथ जैसे इंसाफ करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, तभी आप खुद को सेव रखते हैं। आप हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपको जस्टिस करना है। आप एक पसंद करेंगे, लेकिन उसके साथ बैलेंस रहेंगे, जस्टिस करेंगे, उसके साथ लॉयल रहेंगे। आपको अपनी लाइफ में इम्बैलेंस पसंद भी नहीं है, जो आपके साथ इम्बैलेंस करता है, आप वहाँ खुद को ब्लॉक फील कर रहे होते हैं, जहाँ आपको लग रहा होता है कि आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिल रहा, वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं मिल रही। शायद इस पर्सन ने ऐसा किया कि आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जैसे एंडिंग्स हुई है, ठीक है। आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में फेस करा, ये पर्सन जानता है आप जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, इस पर्सन की वजह से, या किसी अपने पास्ट की वजह से आप किसी नेगेटिविटी से गुजरे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जैसे, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक हैं, या खोए खोए रहते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में खोए खोए रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, कन्फ्यूज़ हैं। इस पर्सन को जैसे ऐसा लगता है आप कन्फ्यूज़ हैं, अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में कहीं कन्फ्यूज़ हैं, कहीं पर आपको इस पर्सन को देखकर ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड में मेंटली स्टकनेस है, आप उस मेंटली स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रहे। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने कहीं खुद को, अपने आप को कहीं फंसा लिया है, या अपने आपको आपने कहीं खुद जानबूझकर स्टॉप करके रखा हुआ है। आप खुद को उस चीज़ से आज़ाद नहीं करते, आप उस चीज़ से खुद को मतलब कि फ्री फ्री नहीं होने देते। ये पर्सन आपको एक अच्छे लवर की तरह देखता है, ठीक है, ये एक अच्छे लवर की तरह देखता है। आपके पर्सन ने आप में काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कोल्ड देखा, आपको पावर में आता हुआ देखा, आप पहले बहुत इमोशनल रहे, ठीक है, आप पावर में नहीं थे, आप प्रैक्टिकल नहीं सोचते थे, इस पर्सन ने आपको पावर में आके देखा, आते हुआ देखा, अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजन मेकिंग करते हुए देखा, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कोई चेंज है जो इस पर्सन ने देखा है आपके अंदर। ये चेंज पहले नहीं था आप में, ठीक है, ये चेंज पहले नहीं था, आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, थोड़े से बोरिंग पर्सन है इस पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। अगर आपकी मैरिज टू ऑफ कप्स, आपका जैसे आपको एक मैरिज मटेरियल दिखता है टू ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ में सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज और कमिटमेंट के लिए। आप कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, आप इमेच्योरिटी से, एक नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं, आपने बहुत कुछ फेस करा, उस चीज़ से लर्निंग करी है, लेकिन अपनी लाइफ में इस वक्त टू ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है। जो नेगी आप ड्रामा में स्टक नहीं होना चाहते, आपने कोई कार्मिक सिचुएशन को लेट गो करा है, आपने किसी जैसे कर्मा को आपने रिलीज करा है, आप किसी ड्रामा में, किसी मैस में आप खुद को स्टक नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं। इस पर्सन को जैसे आपका पता है आप कोई नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले इंसान नहीं है, आप फाइटर वाली एनर्जी नहीं है, बहुत एग्रेसिव एनर्जी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिला वजह फाइट करना या मैस क्रिएट करना, वो वाला जोन नहीं है, आप उस टाइप के इंसान ही नहीं है, ठीक है, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, लेकिन पास्ट में आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं जिनसे आपने सीखा है, ठीक है, आपने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होकर कुछ एक्शंस लिए हैं या कुछ डिसीजंस लिए हैं, जो इस पर्सन को ऐसा लगा, जो आपको पास्ट बाद में आपको रिग्रेट हुआ उन डिसीजन का, उन एक्शंस का, उन मूवमेंट का, लेकिन मतलब कि आप एक इस एनर्जी में रहते हैं कि आपको हेल्प करनी है, आपको कनेक्ट रहना है, आपको एक्शन लेना है, आपके अंदर काफ़ी पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है, आप एक जैसे कंजर्वेटिव माइंड नहीं है, आप विजडम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आप एक्शन लेना पसंद करते हैं, आपके अंदर एक थ्रिल है, आपके अंदर एक स्पार्क है, आप स्टॉप होने वाले इंसान नहीं है, पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है कि आपके अंदर एक स्टॉप वाली पर्सनैलिटी नहीं है, आप कितने ही लोगों से भीड़ से अलग रहते हैं, इंडिविजुअल सेल्फ में रहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर एक स्पार्क है, जो अपनी लाइफ को लेकर हमेशा 24/7 जैसे वो आप उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं, आप एक जैसे आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन,
जो अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करना जानता है, ये पर्सन आपको बहुत एक ऐसे पर्सन की तरह देखता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, ठीक है, आपके अंदर ऐसी ऐसी एबिलिटीज हैं, आपके अंदर ऐसा ऐसे 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 साइंस हैं आपके अंदर कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आए, ठीक है। बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी आप मेल, और अगर फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी है। जैसे फीमेल्स होती है ना गपशप करना और शॉपिंग करना, आपका वो वाला नेचर नहीं है, डिफरेंट, साइलेंट, सोबर कम्प्लीटली अपनी लाइफ में। लेकिन आपको अपनी लाइफ में जो है ना, आपको अपना पार्टनर अच्छा चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको लव नहीं मिला, आपको प्यार नहीं मिला, खासतौर पर अपने पर्सन से, अपनी फैमिली से, कोई आपकी जैसे आप आपको आपको कुछ चाहिए अपने साथ के लिए, अपने पर्सन, आप अपने अपने लिए आप अपना पर्सन चाहते हैं, अपना अपना अच्छा कोई इंसान चाहते हैं जिससे आप अपना लाइफ का सब कुछ डिस्कस कर सकें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त आप अपनी लाइफ को, अपनी मैरिज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं, आपका ड्रीम है मैरिज, अपनी लाइफ में कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना राइट पार्टनर, राइट पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी बदली है पास से, जब आप जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ था तब आप थोड़े से इमेच्योर से थे, आपके अंदर इतनी ये चीज़ें ये नहीं पहचानता था, या इसने आपके साथ बहुत कुछ आपको देखा है, आपको इसने अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा, या तो इसकी वजह से सफ़र करा या किसी और की वजह से, लेकिन इस पर्सन ने आपको देखा अपनी लाइफ में किसी जैसे एक नेगेटिव पार्ट से निकल कर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए, एक डार्क साइड से निकलते हुए एक लाइट की तरफ जाते हुए, ठीक है। ये पर्सन आपको और कैसा देखता है, लेट्स सी। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, आप जिस चीज को एक लीडरशिप काइंड एनर्जी है आपकी, आप जिस चीज को सोच लें आप उस चीज को पूरा करते हैं, ठीक है। आपको जैसे आपके माइंड में ये आप ये करने के लिए आए हैं तो आप वो चीज करेंगे, आप स्टॉप नहीं होते, आप अपने आप को रोकने वालों में से नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे से आगे बढ़ते रहने वालों में से। यूनिवर्स, इस पर्सन को ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, भाई ये इस इन कार्ड्स का नहीं था ये, ठीक है, एवरीडे विच का नहीं था ये किसी और डेक का है, यूनिवर्सल टैरो को, हाँ या द साइकिक टैरो, रीबर्थ। इस पर्सन, मैंने कहा ना, इस पर्सन ने आपके अंदर चेंज देखा है, एक रीबर्थ देखा है, इसने पास्ट में आपको ऐसा पर्सन नहीं देखा था, आपका एक रीबर्थ हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस कॉन्फिडेंस एनर्जी में लेकर आया है, ठीक है। गो विद द फ्लो, ये पर्सन आपको इस वक्त गो विद द फ्लो में देख रहा है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और कमाउट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप किसी मेस में, किसी नेगेटिविटी में, आप किसी भी कर्मा में या किसी भी ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं होना चाहते, आपने कोई टॉक्सिसिटी फेस करी अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे है इमेजिन, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, मतलब कि जैसे अपने ही ड्रीमी वर्ल्ड है आपका, ठीक है, आप उसमें ही मगन रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपने ड्रीम्स बनाते रहते हैं, अपनी चीज़ों को करते रहते हैं पूरा, ठीक है। ग्राउंड एंड सेंटर, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत रूट से कनेक्टेड हैं अपनी, ठीक है, एक आपकी रूट्स से कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। प्रेइंग एंड विशेस, आपने कोई विश करा है, कुछ विश की है, वो आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में किसी नेगेटिविटी से निकले। आप मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, इस पर्सन को पता है कि आप मेडिटेट करते हैं, मतलब कि आप अच्छाई के, हैप्पीनेस के बीच आप प्लांट सीड करते रहते हैं, ठीक है, आप ऐसे वाले पर्सन हैं। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन आपको इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है। तो स्पीक योर माइंड, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत एक जीनियस पर्सन है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक शार्प है, ठीक है, बहुत चलता है आपका माइंड। आप रेस्टिंग एनर्जी पे, इस पर्सन को इस तरीके से लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है और आपको रेस्ट करना भी चाहिए, ठीक है। कोई यूनिवर्स आपकी कोई विश फुलफिल करने वाले हैं, यहाँ पे यूनिवर्स और यहाँ पे है प्रेइंग विश, ठीक है। कोई आपने अगर विश करी है तो आप उसको अभी भी कर सकते हैं, आपकी कोई विश कम्प्लीट होने वाली है, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, डिवाइन कह रहे हैं कि आप फॉलो करें अपने ड्रीम को, आपकी विश उसी ड्रीम को फॉलो करते करते आप अपनी विश को कम्प्लीट होता हुआ देखेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।